हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं टूटी फूटी वाटरमेलन के छिलके से। सो जल्दी से अपना ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको लेना है वाटरमेलन के छिलके। मैंने काफ़ी दिन से ना इन्हें संभाल के रखा हुआ था। सो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन के छिलकों को अच्छे से वॉश कर लिया था एंड इनके छिलके निकाल दिए थे जो ग्रीन वाले होते हैं। एंड उसके बाद इसको अच्छे से दोबारा से वॉश किया। वॉश करने के बाद ना मैंने इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने एक पैन लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया एंड पानी गर्म करने के लिए रखा था। उसके बाद ये पीसेस मैंने डाल दिए थे एंड मैंने इसको बॉईल करने दिया कम से कम 10 मिनट के लिए ताकि ये पक जाए अच्छे से। तो जब तक ये पक रहे थे ना, तो मैंने नेक्स्ट गैस पे यहाँ पे दोबारा से एक पैन रखा था जिसमें मैं बना रही थी चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया था 1 कप शुगर एंड उसी के साथ मैंने 1 कप लिया था पानी। सो यहाँ पे मैं बना रही थी चाशनी एंड इस चाशनी को ना आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी, बिल्कुल ही आपको वो पतली पतली रखनी है, बिकॉज ज़्यादा थिक होगी ना तो अच्छे से नहीं बनेगी, उससे टूटी फ्रूटी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। सो यहाँ पे ना मैंने जो ये पीसेस थे इसको मैंने इस चाशनी में डाल दिया था एंड इस चाशनी में हमें 5 मिनट तक इसे पकाना है ताकि जो मिठास है वो अच्छे से इन पीसेस में आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसे 5 मिनट तक पका रही थी एंड आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ये टूटी फ्रूटी जैसा लग रहा है। कलर इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। सो यहाँ पे मेरी पक चुकी थी। यहाँ पे मैंने लिए थे 3 कलर, एक ऑरेंज था, एक रेड था, एक ग्रीन था। सो उससे मैंने बनाए थे 4 कलर, एक ग्रीन था, एक ऑरेंज था, एक येलो था, एक रेड था। सो यहाँ पे मैं 4 कलर की टूटी फ्रूटी बना रही थी। तो मैंने ना यहाँ पे 4 कटोरियाँ ले ली थी एंड मैंने चारों में ना ये पीसेस डाल दिए थे। एक रेड बना लिया था, एक मैंने ऑरेंज बना लिया था, एक येलो बना लिया था एंड ग्रीन बना लिया था एंड मैं इसको ना अच्छे से मिक्स कर रही थी। सो मिक्स करने के बाद जो हमारा प्रोसीजर होता है, हमें इसे छोड़ना होता है 2 घंटे के लिए इसी में ताकि वो अच्छा सा इस पर कलर आ जाए। एंड 2 घंटे बाद मैंने इसे चेक किया था, इस पर अच्छा सा कलर आ गया था। एंड कलर आने के बाद ना हमें फिर इसे ड्राई करने के लिए छोड़ना होगा 6 से 7 घंटे के लिए, तो आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। सो मैं इसे बना रही थी मॉर्निंग में, तो मैंने यहाँ पर ना शाम तक के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने कुछ इस तरीके से एक पेपर लिया था एंड उसमें ना अच्छे से फैला के रख दिया था। चारों कलर को मैंने अच्छे से फैला करके रख दिया था एंड जो मुझे रिजल्ट मिला था ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मिला था एंड मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि मैंने इसे बना लिया। आप लोग भी इसे मस्ट ट्राई कर सकते हैं यार, मार्केट से जाके क्या लेना। हम आजकल गर्मियों का टाइम है, हम वाटरमेलन तो डेली बेसिस पे ले ही आते हैं घर पे, तो उसी से हम लोग इसे बना सकते हैं। एंड जो इसका टेस्ट था, टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था, बिल्कुल एकदम टूटी फ्रूटी जैसा ही टेस्ट आ रहा था। एंड आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी टूटी फ्रूटी तैयार।